हेलो गाइस, पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को मेरा प्यार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीरज रावत ब्लॉग 07 में। तो फिर से आज एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं हम, और आज हम जा रहे हैं मंदिर में, यानी कि यहाँ महादेव का मंदिर है। वहाँ पे आज भंडारा चल रहा है, वहाँ पे 2-3 दिन से पाठ पूजा हो रही थी, तो आज फाइनली भंडारा हो रहा है। और वो बहुत पुराना मंदिर है, वो मंदिर काफ़ी टाइम बाद अब नया बनाया है, पहले बहुत पुराना था तो अब नया बनाया है। ये इधर देवराड़ी के ऊपर और असलोट और सिलो गाँव के बीच में है वो मंदिर। तो आज वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होगी और हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, वहाँ की भीड़, वहाँ के लोग, वहाँ जो जो होगा हम आप सबको दिखाएंगे, और आप हमारे साथ यूँ ही बने रहे। तो एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। नमस्कार, सुप्रभात, सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल में। तो आज कल शिवरात्रि थी, तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 19 तारीख यानी कि आज भी शिवरात्रि का दिन है। आज भी शिवरात्रि का जो टाइम होता है वो अभी भी चल रहा है कल से। तो अभी हम जा रहे हैं नाराडंगू महादेव, जो कि एक बहुत ही पुराना मंदिर है और एक प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 7-8 गाँव को मिला के ये मंदिर सभी का मान्य होता है। और तो आज हम तुम्हें वहाँ लेके चलेंगे और सारी चीज़ आज वहाँ की दिखाएंगे क्या होता है। तो लगभग आसपास के जितने भी गांव हैं आज सभी वहाँ पे इनवाइटेड है, क्योंकि जो वहाँ पे ये नया मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है, उसका पुनर्निर्माण किया गया है। वहाँ पे जितने भी आसपास के गांव हैं सभी लोगों ने उस मंदिर के लिए दान दिया है। तो एक समिति बनी थी जिनके द्वारा ये कार्य किया गया था, और सभी गाँव में जाके दान को इकट्ठा किया गया था। और आज वहाँ पे एक भव्य मंदिर, एक पुरन निर्माण किया गया है मंदिर का, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी मंदिर बनाई गई है। मैंने फ़ोटो और वीडियोस में देखी थी अभी तक, लेकिन आज मैं आपको लाइव वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और बहुत ही अच्छी मंदिर और बहुत ही अच्छा परिसर वहाँ पर बनाया गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। तो बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये रहा आपके सामने लाल धार का दृश्य। और असलोट के जितने भी विद्यार्थी या बैलोड़ी के हैं, तो उन्होंने ये रास्ता बहुत बार तय किया होगा स्कूल आने के लिए। और देखिए आप सामने का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो ये रहा ग्राम सभा का गेट असलोट का, और सामने आपको थोड़े बहुत घर दिख रहे होंगे, और बैकग्राउंड में जो एक बड़ी सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है SGU यूनिवर्सिटी पोखड़ा, ग्राम सभा असलोट मल्ला आपका स्वागत करता है। और एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, जो हमारा वाला रास्ता है। तो ये देखिए श्रद्धालु लोग जा रहे हैं अभी, तल्ला असलोट का ये रास्ता है, और इस सामने आपको यूनिवर्सिटी दिख रही होगी, और सामने जो आपको गांव दिख रहा है ये है ग्राम सभा पित्रोड़ा, और ये रहा सामने ग्राम सभा बीणाधार। तो सामने देखिए आप मैच चल रहा है यहाँ पे, और देखिए बहुत मैच खेले हैं यहाँ अभी हमने, और कुछ श्रद्धालु ये धार की बना के जाते हुए अभी ग्राम सभा तल्ला स्लोट। कुछ सामने का नज़ारा इस प्रकार मंदिर का, और देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं। और ये हमारे कुकी भाई और शिखर भाई, और ये देखिए हमारे, और यहाँ पे एक दुकान भी लगाई गई है छोटे बच्चों के लिए, और रिपन भाई भी पहुँच चुके हैं। श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं, और भीड़ एकदम बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर में बहुत सारी भीड़ होने वाली है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। घर्रा मूले यानी कि मूलियाँ, और बेर, केले, संतरे, और सामने बन रही है जलेबी। तो आज बहुत बिक्री होने वाली है जलेबियों की। और भीड़ देखिए आप गेट के बाहर, इतनी भीड़। यार बढ़िया बढ़िया, आप सुनाए सर कैसे हैं? सेवा सोली का रिवाज फिलहाल चलता हुआ, लोग काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, और सुंदर सा गेट जय नाराडंगू महादेव का, बहुत ही सुंदर गेट बनाया गया है, देख सकते हैं आप। विशाल भंडारे का आयोजन आज यहाँ पर, और सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से, मंदिर को पूरा चेंज कर दिया गया है। और ये देखिए बहुत ही भीड़ यहाँ
यहाँ पे आज इकट्ठा हुई है। देखिए ऐसे लोग बैठ रखे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर, मनमोहक। और भीड़ देखिए, भीड़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, इतने लोग यहाँ पहले ही हैं और इससे डबल अभी आने वाले हैं, लोग रास्ते पर लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा दर्शन करने के लिए। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ आज यहाँ नाराडंगू महादेव में। दालू हमारे यहाँ बैठ रखे हैं, पंकज भाई, संदीप भाई पित्रोड़ा से। और भीड़ देखिए आप, स्टार्ट हो चुकी है, सभी का नंबर आएगा, आराम आराम से दर्शन करें भगवान। और ये देखिए हमारे गांव के श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं दर्शन करने के लिए।
भंडारा स्टार्ट हो चुका है यार। देखिए वहाँ लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँच चुके हैं। नाश्ता हुआ और लोग लुत्फ उठाते हैं पांडव का। तो ये है वो बालक जिनके द्वारा सभी को प्रसन्न किया जा रहा है। ये देखिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते हुए और भीड़ हो चुकी है वहाँ पे बहुत सारी। यहाँ पूरी व्यवस्था बनाई गई है भंडारे के लिए और लोग तो इधर भंडारा शुरू हो चुका है यार। देखिए अभी भी लोग लाइन में लगे हैं दर्शन के लिए। और ये देखिए लोग अभी भी दर्शन में लगे हैं, लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। अभी भी इतनी भीड़ है और लोग आए जा रहे हैं अभी भी। ऐसा करो ना, जो अलग कलर को अलग रखो उसको ऐसे करो ना, तुम मिक्स क्यों कर दे रहे हो पे। बाबा जी ने पकौड़ी, जलेबी और बेर और जूस वगैरह का जूस वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे पूरी कर रखी है बाबा जी के द्वारा। तो ये गदेरा जो आ रहा है, ये आ रहा है मल्लीबीणा से होते हुए गाट की बीणा, फिर धार की बीणा के बीच से पितरोड़ा के नीचे असलोड़ से भी नीचे और यहाँ, और यहाँ का जो इस साइड का पानी है, ये वाला जो पानी आपको दिख रहा है, इसको चढ़ाया जाता है शिव भगवान के मंदिर में, शुद्ध माना जाता है इस पानी को। तो यहीं से लेके जाया जाता है पानी को। और देखिए ये रहा मंदिर,
बहुत ही सुंदर नज़ारा मंदिर का। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइव भी जा सकते हैं, मैंने एक घंटे के लगभग लाइव चला रखा है, यहाँ का पूरा प्रसारण लाइव आ रखा है, तो देख सकते हैं। तो प्रसाद आ चुका है और प्रसाद को ग्रहण करने का टाइम आ चुका है, तो प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अपने घर की ओर चलेंगे। सभी लोग फिलहाल कतारबद्ध होकर बैठ रहे हैं और तो महादेव का प्रसाद इस कप के अंदर, आलू का झोल इसका फुल मजे ले जाए। किलो से जलेबी 107 की 60 जरा बारीक निकाल आधा किलो, फर्स्ट क्लास है सी वाली पीली वाली पीली और करारी वाली फर्स्ट क्लास। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आने वाले ब्लॉग भी बहुत अच्छे होने वाले हैं और जरूर वायरल होंगे वो ब्लॉग भी। तो श्रद्धालु लोग अब अपने घर के और प्रस्थान करते हुए